हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है, जो क्या है तो दिसंबर 21 एग्जाम में अपेयर होने वाले थे। उनका जो आपको पता रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था वो था फर्स्ट ऑफ जुलाई लास्ट डेट था दिसंबर 21 एग्जाम में अपेयर होने के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे तो आईसीआई ने 7 अगस्त को नोटिफिकेशन निकाला है, जो क्या है बच्चों ने जुलाई या अगस्त, मतलब 16 अगस्त तक अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं, 16 अगस्त तक 16th of August तक सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप नवंबर में, मतलब दिसंबर 21 एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप दिसंबर 21 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो 16th of August तक। बिल्कुल जी हाँ, 16th of August तक, मतलब आपको पूरे 1.5 महीने की आपको एक्सटेंशन दी गई है, रिलैक्सेशन दी गई है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था जुलाई 1 के बाद रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो क्या वो बच्चे मई 22 के लिए एलिजिबल हैं या फिर नवंबर और दिसंबर 21 एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल वो बच्चे अगर देना चाहते हैं, अगर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, वो बच्चे दिसंबर 21 एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जाते मई 22 में ही अपेयर होना चाहते हो तो मई 22 में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपकी हो ही चुकी है, बट आप दिसंबर 21 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो अगर आपने 1 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हो 16th of August तक, जो बच्चे दिसंबर 21 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे दिसंबर 21 एग्जाम में बैठना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 16th of August तक। ये ICAI की नोटिफिकेशन है, इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि ICAI का जो हमारी ICAI.org पे आप स्टूडेंट पोर्टल में जाएंगे और अनाउंसमेंट सीए फाउंडेशन के अनाउंसमेंट पोर्टल में जाएंगे, आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।